अतुल्ला खान का नाम लेते ही काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925, 8 डाउन सहारनपुर लखो पैसेंजर एक्सप्रेस, ये पूरी घटना आपके आंख के सामने आ जाती होगी जिनको यह घटना मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस शहीद की शहादत के बाद आज हम उनके जन्मदिन को मना रहे हैं, उनके बारे में बात पहले जानिए कि अशफाकुल्ला खान कौन व्यक्तित्व था और जिस जंग आजादी में क्या भूमिका अदा की थी। काकोरी कांड का नेतृत्व अशफाकुल्ला खान के गुरु पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने रची और इस कांड में उनके साथ राजेंद्रनाथ लहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती और सचिदानंद बख्शी आदि शामिल थे। साथियों, इस घटना में सरकारी खजाने को लूटा गया और लूट का पैसा जंगे आजादी में लगा दिया गया। अशफाकुल्ला खान की गिरफ्तारी होती है इस कांड में और जब इस कांड में अशफाकुल्ला खान की गिरफ्तारी होती है तो अंग्रेज शासन उसी समय से बांटो और राज करो की राजनीति के तहत आगे बढ़ता है और उस समय के तत्कालीन मजिस्ट्रेट एनुद्दीन को कहता है कि इस कांड में इसको सरकारी गवाह बनाओ और उस समय के सीबीआई के एसपी खान बहादुर हुसैन को भेजा जाता है अशफाकुल्ला खान से मिलने के लिए और कहा जाता है जेल में मिलकर कि तुम किन काफिरों के चक्कर में पड़े हो, ये सारे पंडित और ये हिंदू हैं जो देश आजाद होने के बाद हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित साहब मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे खुदा हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता हूं, आप यहां से चले जाइए नहीं तो 102 का मुकदमा मेरे ऊपर होगा। फिर उनसे गुजारिश होती है कि कम से कम इतना तो कर लो कि कोई मुसलमान वकील अपना कर लो जो तुम्हारी वकालत करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई धर्म कोई जाति मुझे इस बंधन में बांध ले और जंगे आजादी में मुझे अलग कर ले। और तब उन्होंने वकील भी कृपा शंकर जी को रखा। केस चलता है 10 महीने तक, यह केस चलता है। इस केस के संबंध में एक ऐसा वाक्य आता है जो जंगे आजादी में कराना हो गया, जो वहां के जितने भी क्रांतिकारी थे उनके जुबान पर आ गया। बसंत पंचमी का मौसम था, अशफाकुल्ला खान जी ने अपने गुरु राम प्रसाद बिस्मिल को कहा कि गुरु एक बात करो, आप कुछ रंग दो, कुछ ऐसा रंग दो कि आज कोर्ट में धमाल हो जाए। और उसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक कविता लिखी थी जो आगे चल के क्रांतिकारियों के जुबान पर चढ़ गया। मैं वो कविता आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। मेरा रंग दे बसंती चोला, हे रंग दे बसंती चोला, इस रंग में रंगे शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में प्रताप ने खोला, नव वसंत में भारत के हितवीरों यही रंग खोला, इस किस्मत को पहनकर बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। यह गाना जब उस कोर्ट में गाया जाता है तो हिंदुस्तान के तमाम जेलों में अखबारों के माध्यम से यह जाता और क्रांतिकारी इसे अपना गाना बना लेते हैं। जब यह गाना आगे बढ़कर शहीद भगत सिंह तक पहुंचता है तो उसने इन दोनों के सम्मान में इस गाने में चंद पंक्तियां और लिखी थी जो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। इस रंग में बिस्मिल जी वंदे मातरम बोले, जिस रंग में बिस्मिल जी वंदे मातरम बोले, जिस रंग में अशफाक को भाया डर कर डोला सिंहासन, छू फिरंगी को करने को लघु में अपने घोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यह वह दौर था, हम उस दौर को याद करते हैं कि कैसे वो दीवाने थे जो मजहब से ऊपर इस देश को समझते थे, जो जाति से ऊपर इस देश को समझते थे और जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय भी कुछ लोग बांटने का प्रयास कर रहे थे और आज भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी कुर्बानी और शहादत का बदौलत आज हम आजाद यहां बैठे हैं, लेकिन ये आजादी आंशिक है, अभी भी एक लड़ाई बाकी है